हर्फ आगाज से पहले जो नाम है वो तेरा नाम है, ऐ खुदा जिससे मुश्तक मेरा नाम है वो तेरा नाम है।
Fantastic. Excellent. Excellent. God, marvelous. Came down. Quick. अभिषेक की दीदी बोल रही हूँ। मैं मिकी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मिकी। दीदी आप फॉरन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल आ जाइए। क्या ब्रिज कैंडी? हाँ दीदी। क्यों? सब शूटिंग में बुरी तरह चल गए हैं। हेलो, ज्योति, क्या तुम भी उसी एक्सीडेंट के बारे में पूछना चाहते हो? आनंद साहब, ये खबर तो सारे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल चुका है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। तो फिर मुझसे क्या जानना चाहते हो? यही कि आपने शॉर्टकट क्यों नहीं किया, जबकि प्रिया सिर्फ आपके फिल्मों की हीरोइन नहीं बल्कि आपके निजी जिंदगी में भी। फॉर गॉड सेक ज्योति, स्टॉप इट। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उससे प्यार करूं? हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, वो भी इसलिए कि आज तक की सारी फिल्मों में प्रिया मेरी हीरोइन रही है और सारी फिल्में कामयाब हुई। आनंद साहब, आपने अभी अभी कहा कि आप प्रिया से प्यार नहीं करते। आपका इतना बड़ा मकान है, बच्चे हैं, बीवी है, फिर भी आप अपनी रातें 5-स्टार होटल में गुजारते हैं। लुक हियर, माय पर्सनल लाइफ इज माय अफेयर, यू अंडरस्टैंड? ऑपरेटर, प्लीज डोंट पुट थ्रू एनी मोर कॉल्स टू मी। आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब टुनाइट। यू अंडरस्टैंड? गुड नाइट। हेलो सुपर्णा, लुक, आई जस्ट गॉट द मैसेज। आकर्षण की शूटिंग में फायर सीक्वेंस के दौरान अभिषेक और प्रिया बुरी तरह से जल गए हैं और उन्हें ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। नो, लिसन, इससे पहले कोई भी चीज वहां से शिफ्ट हो, तुम वहां जाकर उस जले हुए सेट की तस्वीरें खींच लो। ओके? नाउ हैव यू कॉट दैट? ओके। बात नहीं करोगे?
मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि तुमने इस शेड्यूल के सारे एक्शन सीन्स इतनी खूबसूरती से किए हैं, स्पेशली द फायर सीक्वेंस। मैं अभी अभी रशेस देखकर आया हूँ, रियली यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। पता नहीं फिल्मी मैगजीन्स तुम्हारी तारीफ में क्या क्या लिखे। अब मैं समझ गया तुम्हारी नाराजगी की वजह। वो आग तो बुझ चुकी थी, सीन भी हो चुका था, लेकिन इन प्रेस वालों ने उस बुझी हुई आग को फिर से बढ़ा दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शूटिंग में एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। मैं शाम की फ्लाइट से मद्रास जा रहा हूं, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उसके बाद फिल्म का आखिरी गाना तुम दोनों पे पिक्चराइज करूंगा, उसके साथ हमारी ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। टेक केयर। हेलो, क्या मैं अभिषेक की दीदी से बात कर सकती हूँ? जी मैम, साहब को देखने के लिए हॉस्पिटल चली गई हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगी। अगर उनके लिए कोई मैसेज हो तो दे दीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इतनी खामोश क्यों हो प्रिया? क्या तुम उस आग को, उस हादसे को भूल नहीं सकती? तुमने उस रिश्ते को सच समझा जो प्रोफेशन की बुनियाद पर कायम हुए थे। भूल जाओ उसे प्रिया, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? मैंने तो हमेशा यही समझा था कि रिश्ते ना तो आसानी से बनते हैं और ना ही आसानी से टूटते हैं। तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो प्रिया? हमारी दुनिया जितनी बाहर से अच्छी लगती है उतनी ही अंदर से खोखली है। हेलो, ओ अभिषेक, हाउ डू यू डू? ठीक हूँ। पता नहीं प्रिया, उस एक्सीडेंट के बाद से कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। कुछ भी काम करने में जी नहीं लगता। कोई शॉट देने के लिए कैमरा फेस करता हूँ तो ऐसे लगता है कि आग की लपटें मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। क्या बात है अभिषेक, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। सोचा कि आपसे बात कर लूं ताकि दिल का बोझ हल्का हो, इसीलिए फोन किया। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, नॉट एट ऑल अभिषेक। दरअसल मैं खुद आपको फोन करना चाहती थी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। फर्ज को एहसान नहीं कहते। फिर भी आपका यह एहसान मैं उम्र भर ना भूलूंगी। एनीवे,
आज रात का खाना आप मेरे साथ। ऑफ कोर्स। बाय। आप क्यों हैरत से हुई क्या मुझे यहां और इस वक्त देखकर? फोन पर कहा तो था मैं शाम के फ्लाइट से आ रहा हूं, फिर भी तुमसे मेरा इंतजार नहीं हो सका। टेढ़ 9 बजे से बैठा हूं। आनंद, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे भी ज्यादा कोई जरूरी काम था? नहीं नहीं, दरअसल आपके फोन से पहले अभिषेक का फोन आ गया था और उसे मुझे डिनर पे इनवाइट किया था। मैं कमिट हो चुकी थी इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, तो अभिषेक से मिलकर आ रही हो? आजकल अभिषेक काफी मेहरबान है तुम पर। कभी फूल कभी डिनर। वाह। और
हो भी क्यों ना, आखिर जान बचाई है तुम्हारी, कुछ तो इनाम मिले। क्यों ना मिले, एक आदमी अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर किसी की जिंदगी बचाता है और एक आदमी किसी की जिंदगी खतरे में डालता है, तो आप ही कहिए इनाम किसे मिले। एक लड़की जो आर्टिस्ट बनने आती है उसके जवां हसरतों से आप लोग खूब खेलते हैं, और अगर कोई नेक दिल इंसान उसकी हिफाजत करना चाहे, उसकी इज्जत करना चाहे, तो इसमें बुरा क्या हुआ। शट अप, गलत और सही मैं तुमसे सीखूंगा। एक बात कह देता हूं प्रिया, अगर अब तुम्हारी जुबान पर अभिषेक का नाम भूले से भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड दैट? व्हाट? अगर इतना ही प्यार था मुझसे तो उस वक्त कहां मर गया था आपका प्यार, जब मैं आग की लपटों से घिरी मौत से जिंदगी की भीख मांग रही थी। उस वक्त कहां गए थे आपके जज्बात, जब मैं मदद के लिए चीख रही थी। कब ना आया था मुझ पर प्यार, कब ना आया था मुझ पर रहम, और अब आए हैं अपना अधिकार जताने के लिए। कट कट कट, बंद करो ये डायलॉग बाजी और गौर से सुनो प्रिया। देखो आजकल जो फिल्मी अखबारों में मैगजीन्स में छपता है वो एक गॉसिप है, स्टंट है, फिल्मी अफवाह है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। मैंने जो कुछ भी किया फिल्म की बेहतरी के लिए किया, शॉट की बारीकी को मद्देनजर रखते हुए किया। अब तुम्हें बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता था कि ये शॉट एक हादसा बन जाएगा। आपके लिए प्रोफेशन और करियर की अहमियत किसी की जिंदगी से भी ज्यादा है। मैं आग में झुलस रही थी और आप शॉट की बारीकी देख रहे थे। आप एक खुदगर्ज इंसान हैं जिसके लिए फिल्म की कामयाबी के सामने प्यार, वफा, मोहब्बत, जज्बात सब बेमानी है। प्रिया डोंट बी सिली, एक मामूली से हादसे को इतनी अहमियत दे रही हो, मेरे एहसानात भुला दिए। हाँ हाँ, अब तो आप कहेंगे मुझे एहसान फरामोश। मुझे अफसोस है मिस्टर आनंद कि आप एक फिल्म डायरेक्टर होते हुए भी औरत को नहीं समझे। मैं बताती हूँ, दुनिया की कोई भी औरत या तो किसी मर्द से रिश्ता जोड़ती नहीं, और अगर जोड़ती भी है तो यही सोचकर कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी मर्द होगा। तो बताइए मिस्टर आनंद, कब करते हैं मुझसे शादी? शादी? तुम्हें मालूम है प्रिया, मैं शादीशुदा हूं, दो बच्चे हैं मेरे। मैं तुम्हें शोहरत दे सकता हूं, इज्जत दे सकता हूं, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों की तरफ मेरा जो फर्ज है उससे कैसे मुंह फेरूं? मैं अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता, उन्हें हालात का शिकार नहीं होने दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस नवाजिश का, मगर एक बात पूछना चाहती हूँ मिस्टर आनंद, शादीशुदा होते हुए भी आप फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्यार का नाटक तो रचा सकते हैं लेकिन उसके साथ शादी नहीं कर सकते, समाज में उसे कोई नाम नहीं दे सकते। नाम तो क्या नाम नहीं दिया तुम्हें, जमीन से उठाकर शौहरत और इज्जत की बुलंदी पर बिठाया किसने? मैंने। बेनामी के अंधेरे से निकालकर तुम्हें स्टार किसने बनाया? मैंने। ऐरे गहरे मर्दों के हाथ की कठपुतली बनने से बचाया किसने? मैंने। फिर पूछती हो तुम पर मेरा अधिकार क्या है? मिस्टर आनंद, जिस प्रिया पर आप अधिकार जता रहे हैं वो प्रिया तो उसी दिन उस आग में झुलस कर मर गई थी। आज आपके सामने एक दूसरी प्रिया है जिस पर आपको कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
उस कमजोर को मेरे नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं अपने हाथों उसका गला खोल। अभिषेक, तुम्हारे साथ वहां चले जाने को जी चाहता है, जहां नशीले शबाब की पगडंडी मोहब्बत को हंसी मंजिल तक ले जाती हो, जहां फैसले कुर्बतों में बदल जाते हो, जहां जज्बात कैदोबंद की बंदिशों को तोड़ने के लिए मचल उठते हो। प्रिया, हमारी प्यार की मंजिल एक ख्वाब नहीं, हकीकत है, जिसकी बुनियाद हमारे सच्चे जज्बात और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कायम है। आप, मैं अभिषेक की बड़ी बहन हूं। ओ, आइए ना। अभिषेक मेरा इकलौता भाई है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। ये भी बड़े इत्तेफाक की बात है कि अभिषेक जैसा मासूम और जज्बाती लड़का ऐसे माहौल में सांस ले रहा है जहां रिश्तों की बुनियाद है खुदगर्जी, वासना, शोहरत, कामयाबी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, जहां जज्बात और एहसास की कोई कीमत नहीं। मैं समझी नहीं। तुम नहीं जानती प्रिया, अभिषेक जितना नाजुक मिजाज है उतना ही जिद्दी है। या तो बड़ी से बड़ी आफत हंसते खेलते झेल जाता है, या कभी कभी हवा के हल्के झोंके से भी बिखर जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम्हारे और अभिषेक के संबंधों के चर्चे आग की तरह फैलते जा रहे हैं। हो सकता है कल अभिषेक की शोहरत आज जैसी ना रहे, तो क्या तुम दोनों के ताल्लुकात तब भी आज जैसे ही रहेंगे? आई एम सॉरी प्रिया, लेकिन मैंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। मैं जानती हूं फिल्मी रिश्तों की कोई जिंदगी नहीं होती, आज बने कल टूटे। तुम दोनों की बेहतरी इसी में है कि एक दूसरे से अलग हो जाओ। मैं जानती हूं कि मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूं, मगर औरत भी तो हूं। आपने मेरी सिर्फ फिल्मी जिंदगी को देखा है। काश आप मेरी सुनसान और वीरान जिंदगी को भी देख सकती। प्रिया, मैं तुम्हारे एहसासात, ख्यालात और जज्बात की कद्र करती हूं, मगर सच्चाइयां अपनी जगह है। इससे पहले कि तुम दोनों का यह रिश्ता किसी जलजले की तरफ इशारा करे, इससे पहले कि तुम दोनों के दरमियान एक
तूफान सा आ जाए और तुम लोग भंवर में उलझ जाओ। बेहतर यही है कि किनारे पर ही एक दूसरे से विदा कह दो। अंधेरे में अभी तक तैयार भी नहीं हुई। शाम हमारा इंतजार कर रही है स्वीटहार्ट। कम ऑन, गेट रेडी, मूव। कहां खो गई हो जान मेरी? मुझे डर लग रहा है अभिषेक, कहीं हमारे प्यार के बीच कोई आन ना पड़े। कौन है वो? किसकी ऐसी चूरत जो हमारे दरमियान आन खड़ा है? I'll finish him. I'll destroy him. मेरी बात को यकीन करोगे? वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी दीदी है। मेरी दीदी? नहीं, मेरी दीदी हमारे प्यार के बीच हायल बने ये मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी दीदी मेरे लिए माँ की तरह है। 2 साल की उम्र से उन्होंने मुझे पाला, मेरे लिए अपने सारे सुख भुला दिए। चोट मुझे लगी, दर्द उन्हें हुआ। रात को जब मैं जागा तो वो सोई नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं प्रिया, मेरी देख रेख में किसी चीज की कमी ना रह जाए इस बिना पर मेरी दीदी ने अपनी जिंदगी आज तक बसाई नहीं। मेरी खुशियों के लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। प्रिया, आज मैं जिस मुकाम में हूं, जिस पोजीशन में हूं, वो सब मेरी दीदी की दुआओं से, उनकी मेहनत से। सालों साल कड़कती धूप में नंगे पैर उन्होंने स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटे, वो सिर्फ इसलिए कि मुझे इस फिल्मी दुनिया के आसमान में चमकता हुआ सितारा बनाए। जिस औरत ने मेरे लिए रात को रात ना समझा, दिन को दिन ना समझा, वही औरत मुझसे मेरा प्यार छीन ले, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ले। नहीं, जो तुम कह रहे हो वो सच है, मगर हमारे रिश्ते को उन्होंने एक फिल्मी रिश्ता समझ लिया है। उन्हें मेरा माजी मालूम है, मैं जानती हूँ वो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, इसलिए उन्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं। और मेरे पास भी अपनी मोहब्बत का कोई सबूत नहीं है अभिषेक। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का कोई सबूत नहीं चाहिए प्रिया। भूल जाओ तुम्हारे उस माजी को, भूल जाओ उस गुजरे हुए जमाने को। मुझे तुम्हारे माजी से नहीं, तुम्हारे आज से वास्ता है, तुम्हारे आने वाले कल से वास्ता है। अभिषेक। हाँ प्रिया, जिस रोज जिस लम्हा हमारे प्यार का रिश्ता टूट जाएगा, उसी रोज उसी लम्हा ना ही मेरे जिस्म में सांस रहेगी और ना ही मेरे दिल में धड़कन, मेरे रंगों में खुद जम जाएगा। अभिषेक, हमारी मोहब्बत और हमारे दिलों पे किसी और की हुकूमत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रिया। मुझे तना मत छोड़ो, हमारी शाम अब भी बाकी है। Thank you.
कैसी बात कर रहे चोपड़ा साहब, अभिषेक क्यों नहीं काम करेगा? ये तो खुशी की बात है कि आपने उसे याद तो किया आपकी फिल्म के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आप ऐसा कीजिए, आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए, विल फाइनलाइज एवरीथिंग। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। क्या बात है मुन्ना, बहुत थके थके से लग रहे हो। जाने क्यों, आज पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी अचानक एक अहम मुकाम पर रुक गई हो। लगता है जैसे मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरा नाम मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनना चाहता है। मुन्ना? हाँ दीदी, प्रिया मेरी जिंदगी की एक लय बन चुकी है, एक रिदम जो हर वक्त मेरे सीने में धड़कती रहती है। सच तो यह है दीदी कि मैं प्रिया के बगैर जी नहीं सकूंगा, जी नहीं सकूंगा। मैं जानती हूं मुन्ना, इससे पहले मैंने तुम्हारी निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं दिया, पर तुम्हारी प्रिया के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखकर मैं उलझन में पड़ गई हूं। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी और करियर से अहम कोई चीज नहीं। प्रिया एक फिल्म एक्ट्रेस है, करियर गर्ल है, फिल्म इंडस्ट्री के माहौल में रह रही है, जहां जब जी चाहे किसी का हाथ थामना या छोड़ देना एक आम बात है। अगर उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी तो नहीं, मेरी खातिर उसे भूल जाओ मुन्ना। कैसे भूल जाओ दीदी, भगवान के लिए आप मुझे इतने बड़े इम्तिहान में ना डालिए, मैं मजबूर हूं। Thank you.
हेलो स्पीकिंग ओ हेलो सिप्पी साहब, मैं आपको ही फोन करने वाली थी जी कल की शूटिंग के बारे में। बात यह है कि अभिषेक की तबीयत अचानक खराब हो गई है, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। जी जी वो ठीक होते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थैंक यू। देसाई साहब, सिद्धार्थ साहब, आइए आइए। How are you? Welcome. Hello अभिषेक जी। आप ही का इंतजार था। Please. पहले आप।
अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। ये नानावती का कैरेक्टर पोर्ट्रेट। अभिषेक जी, हमारी फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक, जिसके लिए प्रिया को हमने ऑलरेडी साइन किया है, और हम चाहते हैं कि मिस्टर आशिक का कैरेक्टर आप ही करें। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू देसाई साहब। चले नरेशन शुरू करें। मिस्टर आशिक एक ऐसा किरदार है जिसे उसके मासूम बचपन में ही एक खतरनाक अपराधी उसे पाप और नरक के गड्ढे में ढकेल देता है। वो जवान होने पर अपने आप को अजीबोगरीब हालात में पाता है। एक तरफ वो जवान और खूबसूरत लड़कियों को जिंदगी के नरक में ढकेलता है, और दूसरी तरफ अपने काम से नफरत करता है, अपने पेशे से नफरत करता है, और चाहते हुए भी उसे निकल नहीं पाता। एक दिन वही अपराधी, इस गैंग का बॉस, हमारी कहानी की हीरोइन मिस रूपा का किडनैप कराने के लिए फिर से मिस्टर आशिक का इस्तेमाल करता है। यही कहानी में एक नया मोड़ है। मिस्टर आशिक रूपा को अपने प्यार के जाल में फंसा तो लेता है, लेकिन कहीं उसे यह महसूस होने लगता है कि यह प्यार का नाटक सच्चा था। वो सचमुच उसे प्यार करने लगता है। प्रिया, मैं एक नए स्क्रिप्ट का नरेशन सुन रहा हूं। आई विल कॉल यू बैक आधे एक घंटे में। बाय। आई एम सॉरी, प्लीज गो अहेड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस पॉइंट पर हम एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, रूपा की बहन का अंजलि, जो कि एक सीआईडी इंस्पेक्टर है और रूपा की तलाश में बंबई आती है। वो हर उन जगहों पर जाती है, उन अड्डों पर जाती है जहां पर उसको रूपा के मिलने की उम्मीद हो। फिर अंजलि की मिस्टर आशिक से मुलाकात, फिर मुलाकातें, देन द क्लाइमेक्स। आई होप यू लाइक द स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे प्लॉट। आपका कैरेक्टर बहुत ही वेल डिफाइंड कैरेक्टर है। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू एंजॉय प्लेइंग दिस रोल। यस, थैंक यू अभिषेक जी, आपको रोल पसंद आया। देसाई साहब, कहानी तो मुझे बहुत पसंद आ गई और कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी बातें आप दीदी से कर लीजिए। दैट्स योर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट। आई एम विद यू, आई लाइक द स्क्रिप्ट वेरी मच। नहीं नहीं, इन एनी केस 25 को खत्म करना ही चाहिए, 26 को मद्रास जाना है। नहीं, आई एम सो सॉरी चोपड़ा साहब। ओके, या आई विल फिक्स इट। 20 से 25। ओके। आई एम सॉरी मिस्टर देसाई। अभिषेक आपकी फिल्म में काम करना नहीं चाहता। काम करना नहीं चाहता, ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने तो कमिट किया था, उन्हें रोल पसंद आया था, कहानी भी अच्छी लगी थी, फिर ये इनकार कैसा? मैडम, मैं तो और बातें करने आया था। दरअसल मैं नहीं चाहती अभिषेक ऐसी फिल्म में काम करे जिसमें प्रिया हो। आज की तो मशहूर जोड़ी है, प्रिया और अभिषेक। मुझे मशहूर जोड़ी से नहीं, अभिषेक से मतलब है। I'm sorry, Mr. देसाई। अगर आप कोई दूसरी हीरोइन ले ले तो अभिषेक काम कर सकता है। ओके मैडम, आई गेट बैक टू यू। थैंक यू। हेलो मैडम, मैं पवन बोल रहा हूँ। हाँ पवन जी। मैडम, आपको मिस्टर आशिक से अभिषेक की दीदी ने निकलवा दिया है। What? जी हाँ मैडम। क्या कह रहे हैं आप?
प्रिया, फिर वही खामोशी, फिर वही अंधेरा। लोग हमारा प्रीमियर पे इंतजार कर रहे हैं प्रिया, कम ऑन गेट रेडी प्लीज। कहना तो नहीं चाहती थी, खैर सुनो, तुम्हारी दीदी नहीं चाहती कि हम तुम मिलें, और अब वो ये भी नहीं चाहते कि हम तुम एक साथ फिल्म में काम करें। उन्होंने प्रोड्यूसर्स को तुम्हारी डेट्स देने से इनकार कर दिया है, जब तक मैं उस फिल्म से ना निकाली जाऊं। यकीन करो प्रिया, मुझे इन बातों का कोई इल्म नहीं। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। इसलिए कि तुम्हें कब किस वक्त क्या करना चाहिए खुद पता नहीं, और तुम्हारी जाती जिंदगी का हिसाब किताब भी तुम्हारी दीदी रखती है। तुम उनसे पूछे बगैर सांस नहीं ले सकते, उनकी इजाजत के बगैर तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम ही बताओ अभिषेक, तुम्हारी जिंदगी में मेरा क्या रोल है? प्रिया, मैं कह चुका हूं कि दीदी मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं अपने जज्बात का खुद मालिक हूं। मैं दीदी की इज्जत करता हूं और तुमसे बेपना मोहब्बत। मोहब्बत करने वाले किसी बंधन में नहीं बनते। तुम्हें तो अपनी दीदी का खौफ मार देता है। मुझे आगोश में लेते और हम बिस्तर होते वक्त अपनी दीदी से पूछ कर आए थे क्या? जवाब दो, तुमने मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे साथ प्यार का नाटक किया है। You let me down. You let me down. तुम्हें मेरे प्यार पे शक हुआ, मेरे प्यार को नाटक कहा। मैं तुम्हारे करीब आया तुम्हारे जिस्म से खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को तुम्हारे जिंदगी से मिलाने के लिए, दो जिस्म को एक जान करने के लिए। जब तुम मुझे अकेला छोड़कर दूसरे हीरोज के साथ लंबे लंबे आउटडोर शेड्यूल्स पर जाती हो, उस वक्त मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं, लेकिन मैंने कभी तुम पे शक नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा पूरा यकीन है। और प्रिया, फिर भी अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रहा हूं, तो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। I'm really very sorry. मैंने जो कुछ भी कहा शायद इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। साहब, परवीन भी शूट करती है इस रोल के लिए। आप ऐसा कीजिए कि उनकी डेट्स ले लीजिए, हम लोग शूटिंग प्लान करते हैं जल्दी। ओके। माउंट द क्रेन, एवरीबॉडी रेडी? आर यू रेडी? Thank you.
अभिषेक, स्मिता, ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नीड मोर पंच। No. Fuck it. Take 12. Action. कौन कहता है कि मैं मुजरिम और खूनी हूं? फारूक! Got it. अभिषेक. Christ, just how do you want it, Siddharth साहब? अभिषेक, मुझे चाहिए इस सीन में outburst. Louder. Loud. आप अपनी आवाज दबा रहे हैं. अच्छा. एक आदमी जिसने गलत काम किया या जिसके साथ लोगों ने गलत काम किया, इस अ फाइनल सीन। आई गॉट यू, सी, जस्ट गिव मी वन मोर टेक। पांच मिनट के लिए ब्रेक कर लीजिएगा, आई विल बी बैक। लाइट ऑन। कौन कहता है कि मैं मुजरिम और गुनेगार हूं? इस पर गुनाह और जुर्म का इल्जाम लगाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने मेरे मासूम बचपन से जुर्म करवाया, गुनाह करवाया और मुझे यतीम बना दिया। हाय अभिषेक, क्या बात है अभिषेक? कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रही हूं, जब से तुमने मिस्टर आशिक में काम करना शुरू किया है, बहुत खोए खोए से नजर आते हो। हाँ प्रिया, तुम सच कह रही हो। दरअसल मिस्टर आशिक का किरदार ही कुछ ऐसा है, लगता है कि एक अजीब सी कश्मकश और इंतजार ने मेरे वजूद को कैद कर लिया हो। लगता है जैसे मेरे नजरों के सामने हजारों आईने चमक रहे हो और इन आईनों में मुझे सिर्फ एक किरदार नजर आता है, मिस्टर आशिक, जो कि खूनी है, कातिल है, रेपस्ट है और ज़हनी मरीज। मिस्टर आशिक जो कि अपने घिनौने मकसद को किसी भी सूरत में हासिल करना चाहता है। हाँ, न जाने मुझे क्या हो जाता है जबकि मैं ये किरदार को पेश करता हूं। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि एक अजीब ताकत मुझे इस किरदार की तरफ खींचती ले जा रही है और मैं अपने आप को भूलने लगता हूं। इसमें
ऐसे समा गया हूं, मुझे अपने आप का कोई एहसास ही नहीं होता। I am enjoying this character. Mr. Ashik, I am enjoying this character. Abhishek, you are losing yourself. ये एक किरदार है अभिषेक, नहीं, don't get carried away. प्रिया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सेट पे मुझसे मिलने मत आया करो प्लीज। न जाने मुझे क्या हो जाता है, गेट कैरिड अवे विद दिस रोल, मेरा दिमाग फटने लगता है, दम घुट जाता है। प्रिया, डोंट डिस्टर्ब मी ऑन दिस सेट, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। ये उस रात की दर्दनाक बात है जबकि मैंने अपनी मां को जुल्म सहते हुए देखा, और मैं देखता रहा। फिर मेरी आत्मा की एक आवाज गूंज उठी, मां 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 हेलो प्रिया, क्या बात है अभिषेक, आज जब मैं मेकअप रूम में आई तो तुम्हारा मूड कुछ अजीब सा था, मैंने वहां आके कुछ गलती की क्या? नहीं नहीं प्रिया, दरअसल उस वक्त मैं आशिक के रोल में इन्वॉल्व था, उस मूड में मैं तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? ऐसा लगता है हम दोनों सदियों से एक दूसरे से नहीं मिले। प्रिया, आज ही तो देखा है तुम्हें मेकअप रूम में, क्या हुआ, तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? तो क्या हुआ, क्या हम आज अभी इसी वक्त नहीं मिल सकते क्या? कमांडर, क्या लाओ इधर? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आप बता सकते हैं कि इस फिल्म से प्रिया क्यों निकाल दी गई? निकाल दी गई? भावना जी, अगर आप ये सवाल प्रोड्यूसर या प्रिया जी से पूछती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हमें मालूम हुआ है कि इसमें अभिषेक की दीदी की मर्जी शामिल है। तो फिर ये सवाल आप अभिषेक की दीदी से पूछिए। वैसे मिस्टर आशिक की कहानी और किरदार के लिए परवीन बहुत सूट करती है, शायद ऑडियंस को भी। जैसे परवीन और अभिषेक एक दूसरे को पसंद। शॉट इज रेडी सर। वेल, थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ, बाय, गुड बाय।
ओह मिस्टर अभिषेक आइए प्लीज बी सीटेड। मैं ये जानने के लिए आया हूं कि आपने मेरे और प्रवीण के रिश्ते के बारे में जो अफवाहें छापी हैं उसकी बुनियाद क्या है मिस भावना। देखिए मिस्टर अभिषेक मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं मैगजीन चलाती हूं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से आप उनकी खुशियां छीन लें, उनकी जिंदगी में जहर घोल दें। ये सब करके आप अपनी मैगजीन की सेल तो बढ़ा लेती हैं, क्योंकि आप लोगों के पास वो कलम है, प्रेस है, जो चाहते हैं लिख सकती हैं, छाप सकती हैं, और लोग उसे पढ़ भी लेते हैं, यकीन भी करते हैं, चाहे उसमें सच हो या झूठ। ये भी तो हो सकता है कि उसमें सच्चाई हो। शुरू में जिसे लोग रूमर या अफवाह कहते हैं वही बाद में हकीकत बन जाती है। For God's sake, stop it. आप क्या समझती हैं कि एक्टर और एक्ट्रेस इंसान नहीं होते? उनके दिल में दर्द नहीं होता, उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, उनके जज्बात नहीं होते। आप लोगों ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ये रहा ब्लैंक चेक, जितना चाहते हैं भर लीजिए ताकि आपके मैगजीन की सेल की कोई कसर बाकी ना रह जाए। मिस भावना, नो डाउट दैट द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, बट डू नॉट यूज इट टू स्ले द रूट्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ इनोसेंट पीपल। खन्ना के सालिशान मकान में अभिषेक के लिए कोई जगह नहीं है। हजारों की चाहती फिल्म एक्ट्रेस जिसके पास अभिषेक के लिए कोई वक्त नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हो अभिषेक? ऐसा ही है प्रिया, यू लेट मी डाउन। नहीं अभिषेक, तुमने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स जर्नलिस्ट सब की बात मानी लेकिन इस अभिषेक की कोई बात नहीं मानी प्रिया। नहीं अभिषेक, ऐसा मत सोचो। अभिषेक के पास अपनी मोहब्बत का कोई सबूत नहीं है। नो प्रूफ। ऐसा मत सोचो। तुमने उसको आउट कर दिया प्रिया खन्ना। ऐसी बात है क्योंकि अभिषेक खुद अपनी दीदी के हाथों में एक कठपुतली है, एक ऐसी कठपुतली जिसे अपने प्यार के अधिकार के लिए भी इजाजत। चलो ऊपर चलो। वो मेरे जज्बात की कमांडर चीफ है, कमांडर इन चीफ। नहीं अभिषेक, ऐसा क्यों सोचते हो? जिसके ऑर्डर पर गैर मैं अपनी प्रिया के करीब भी नहीं आ सकता, अपनी प्रिया के करीब भी नहीं आ सकता। प्रिया मेरे पास क्या नहीं है? दौलत,
शहरत रुपया बट नू प्रिया नो लाफ कौन आ सकता है हमारी मोहब्बत के बीच में कोई भी नहीं आ सकता हमारी मोहब्बत के बीच में कोई भी नहीं आ सकता हमारी मोहब्बत के बीच में प्रिया क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं प्रिया बहुत चाहते हैं तुम समझती प्रिया गई हेलो मैं अभिषेक की दीदी बोल रही हूँ अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है उसे आराम की जरूरत है वैसे वो आराम कर रहे हैं मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ जी मिलोगी क्या नहीं हाँ अभिषेक श्योर स्टारी स्टारी नाइट मून शाइनिंग ब्राइट वेरी वेरी टाइट प्रिया मैं यहीं रुक जाऊं क्या नहीं अभिषेक तुम्हारी दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम कहती हो तो मैं रुक जाता नहीं अभिषेक तो मैं जाऊं हाँ मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रहे हाँ बाबा प्रिया बाय 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 अगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ प्रिया नहीं अभिषेक तुम्हें जाना चाहिए जाना चाहिए मुझे फिर मिलोगी ना मुझसे प्रॉमिस प्रॉमिस बाय प्रिया बाय टाटा बाय Sir, your shot is ready. I am not ready. Abhishek, I'm sorry. मैंने तुम्हें disturb किया. मुझे तुमसे कुछ खास बात कहनी है. इतने अरसे बाद तुम मुझसे मिल रही हो. इससे ज्यादा खास बात क्या हो सकती है, प्रिया? I want to marry you, Abhishek. मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. I love you, Abhishek. तुम यहाँ ये कहने के लिए हर किस नहीं आई हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो बल्कि ये जानने के लिए आई हो कि मैं तुम्हारे इस बच्चे का जिम्मेदार हूँ या नहीं नहीं तुम ये जानने के लिए आई हो कि मैं इसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूं या नहीं नहीं प्रिया तुम ये जानने के लिए आई हो कि मैं अपनी दीदी की इजाजत बगैर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं या नहीं लेकिन तुम ये जानने के लिए नहीं आई कि उस रात के बाद मुझ पर क्या गुजरी एक एक लम्हा मेरे लिए जैसे मुद्दत की तरह गुजरा हर आहट पे समझा कि तुम आ गई हर टेलीफोन की घंटी पे ऐसे लगा जैसे वो तुम्हारा टेलीफोन हो लेकिन नहीं मैं कितना तन्हा और मजबूर हो गया मैं तुम्हारे प्यार में कितना प्यासा और कमजोर हो गया कि हवा का एक हल्का सा झोंका भी मुझे तिनके की तरह उड़ा दे सकता है ये मैं किस जुर्म की सजा पा रहा हूं
ये किस जुर्म की सजा पा रहा हूं बताओ, ये किस जुर्म की सजा है बोलो, ये किस जुर्म की सजा? नहीं अभिषेक, ऐसा मत कह, मेरा हर पल हर लम्हा तुम्हारी याद के बगैर नहीं गुजरा, हर पल में तुम्हारा प्यार शामिल रहा, मेरी आंखों के आंसू में तुम्हें तुम्हारे प्यार का सबूत मिल जाएगा। जब मुझे तुम्हारे प्यार की निशानी का पता चला तो मैं अपने होश खो बैठी और तुमसे मिलने चली आई। मुझे माफ कर दो अभिषेक। प्रिया, जबकि मैंने अपनी मां को जुल्म सहते हुए देखा, फिर मेरी आत्मा की एक आवाज गूंज उठी, मां, प्रिया, प्रिया, क्या हुआ, बाहर क्यों निकल आई हो? बाहर ना आती तो क्या तुम्हारे और परवीन के ऐसे सीन्स देखती रहती मैं? जो रिश्ते हम दोनों की निजी जिंदगी में है तो तुम पर्दे पे किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ करो। You should be ashamed of yourself. धीरे बोलो, ये प्रेशर है प्रिया। फिल्म का हर किरदार डायरेक्टर की सोच से पैदा होता है और फिर मैं वही कर रहा हूं जो कि स्क्रिप्ट डिमांड करती है। प्रिया, ये रोल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रोल है। आई एम प्लेइंग माई सेल्फ। वो जो कैरेक्टर देखती हो ना स्क्रीन पे, वो मैं हूं, मैं अभिषेक। आई एंजॉय डूइंग दिस रोल माई लव। मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, तुम्हारी बीवी भी हूं। मुझे ये सब नहीं देखा जाता अभिषेक। I love you. मुझे मालूम है। You're mine alone. मुझे मालूम है प्रिया। I know it. I love you too. चलो, चल के फिल्म देखते हैं। Come. आपने मुझे याद किया दीदी? हाँ अभिषेक, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए। ये फिल्म मैगजीन्स में छपती खबरों को मैं सच नहीं मानती, पर तुम्हारी और प्रिया की शादी की खबरें हर मैगजीन में छप रही हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये खबरें फिल्मी हैं या? हर एक फिल्मी खबर अफवाह नहीं होती दीदी, ये सच है कि हमने शादी कर ली है। हाँ दीदी, बगैर किसी रस्म रिवाज की शादी, ना कोई शहनाई, ना कोई फूल, ना कोई अंगूठी। बस दो दस्तखत। दीदी, हमने जो कुछ भी किया वो एक लम्हे में कर लिया, और फिर हमने शादी करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि हम अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। बच्चा? हाँ दीदी, प्रिया मां बनने वाली है, मेरे बच्चे की मां। दीदी, आप अंदर आइए ना, आइए आइए ना। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं।
मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा प्यार अभिषेक के लिए इबादत है, लेकिन इंसान जो चाहता है उसका होना मुमकिन नहीं। जी मैं समझी नहीं। इंसान को अपनी मोहब्बत के लिए कभी कभी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे अभिषेक के लिए तुमसे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती तो तुम्हें शायद यकीन न हो, मगर यह सच है। एक सच और भी है, जैसे मैं 28 सालों से अपने सीने में छुपाए हुए हूं, उस सच की कड़वाहट मुझे एक पल के लिए चैन भी नहीं लेने देती। अभिषेक का जो चेहरा तुम आज देख रही हो वो उसका चेहरा नहीं, नकाब है। नकाब? नकाब? ये उन दिनों की बात है प्रिया, जब हमारे पापा सरकारी डॉक्टर थे। 14 साल की उम्र में हाई स्कूल पास करके मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी। मेरी माँ उस वक्त माँ बनने वाली थी, मगर एक दिन अचानक पापा हार्ट अटैक से गुजर गए। मां को बड़ा सदमा पहुंचा, फिर अभिषेक का जन्म हुआ। अभिषेक 10 ही दिन का था कि उसको मैनेजाइटिस हो गई। अभिषेक की बीमारी और पापा के गुजर जाने से मां को बड़ा सदमा पहुंचा और वो इस दुनिया से चल बसी। मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब वहीं का वहीं रह गया। अभिषेक की बढ़ती बीमारी की वजह से मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगी। डॉक्टर ने बताया कि अभिषेक ठीक तो हो जाएगा, मगर फ्यूचर में उसको होने वाली औलाद हो सकता है मेंटली रिटार्डेड हो या अपाहिज। ये झूठ है। मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूं प्रिया क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभिषेक के बच्चे की मां बनने वाली हो। मैं जानती हूं कि आप ये सब बातें जो है आप क्यों कह रही हैं, क्योंकि आप ये चाहती हैं कि अभिषेक और मेरे बीच में दरार पैदा हो जाए। आपसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। हम दोनों शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते हैं और अब जब मैं अभिषेक के बच्चे की मां बनने वाली अब भी आप हमें खुश देखना नहीं चाहती। दीदी प्लीज हमें एक साथ रहने दीजिए, अभिषेक मुझे दे दीजिए। अभिषेक तुम्हारा ही है, सिर्फ तुम्हारा। भगवान के बाद शायद तुम ही हो जो अभिषेक की इस बीमारी को जान गई हो। अब हालात तुम्हारे हाथ में हैं, तुम ही इसे संभाल सकती हो। जल्दी से जल्दी इस बच्चे को। मैं अभिषेक को ये कैसे बताऊंगी? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें इस बच्चे को जाया करना ही होगा। Tomorrow 10 o'clock sharp. Yes, thanks. Shivani? Yes, doctor? देखो जरा वार्ड नंबर 5 में जाकर पेशेंट का बीपी चेक करो। ओके। Okay.
Yes, come in. Hello, Priya. Come, sit down. Thank you. प्रिया, कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने अभिषेक की दीदी से मुलाकात की. उन्होंने मुझे ये फाइल दी. इस फाइल में अभिषेक की बचपन से लेके अब तक की बीमारी की सारी रिपोर्ट्स हैं. मैंने इस फाइल की स्टडी की और दूसरे स्पेशलिस्ट की भी राय ली. बट आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू कि सबों का यही कहना है कि अभिषेक की इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं. हाँ प्रिया, ये एक ऐसी बीमारी है जो उसके बच्चे पर भी असर करेगी. मेरी राय में दीदी ने जो कुछ भी तुमसे कहा वो तुम्हारे और अभिषेक की भलाई के लिए ही कहा. आई वुड ऑल्सो से द सेम थिंग. प्रिया, प्रिया लिसन. Priya, it's all destiny. You have to face it. Oh, Priya. Hi. Hi. Come in. Come, Priya. लगता है तुम फिर अभिषेक के साथ झगड़ा करके आई हो. कम ऑन, हैव इट. नो थैंक्स. व्हाट, तुम और सिगरेट से इनकार? हाँ शरण, मैंने सिगरेट छोड़ दी है. अभिषेक को भी अच्छी नहीं लगती. अब तो सिगरेट से भी घुटन कम नहीं होती. क्या हुआ प्रिया, मैंने तुम्हें पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा. हाँ शरद, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं रहा. क्या सोचा था मैंने, क्या पाया है. क्या हो गया प्रिया, आखिर क्या बात है? मेरा बच्चा. क्या हो गया बच्चे को? अब मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी शर. प्रिया, क्या कह रही हो? बहादुर मैम साहब को फोन देना. हॉस्पिटल गई हैं. अच्छा, थैंक यू. यस प्लीज. सनशाइन नर्सिंग होम. क्या मैं प्रिया से बात कर सकता हूँ? आप कौन? मैं अभिषेक बोल रहा हूँ. ओह मिस्टर अभिषेक, प्रिया अपने घर चली गई हैं. चिंता की कोई बात नहीं है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है. सिर्फ 2 ही महीने का केस था. नो! शिवानी, किसका फोन था? अभिषेक का फोन था, प्रिया के बारे में पूछ रहे थे. तुमने क्या कहा? यही कि अबॉर्शन सक्सेसफुल हो गया. ओह माय गॉड, व्हाट हैव यू डन?
हेलो ज्योति, आफ्टर सो मेनी इयर्स, अब क्या पूछना चाहते हो? आई होप मेरी वजह से कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। आनंद साहब, इस बार एक्सीडेंट हुआ है अभिषेक का, वो भी प्रिया की बेवफाई की वजह से। इसके बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ज्योति, जहां तक प्रिया को मैं जानता हूं, वो एक नेक और खुददार लड़की है। उसने जो कुछ भी किया होगा, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं जिसने एक छोटे से हादसे के बाद आपके साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया और आपके सारे एहसान भुला दिए? हाँ ज्योति, एक फिल्म मेकर और एक फिल्म जर्नलिस्ट में यही तो फर्क है कि एक फिल्म मेकर रिश्तों को महसूस करता है, उस पर लाखों की लागत करके फिल्म बनाता है, he risks all his money, his whole career on it, और एक फिल्म जर्नलिस्ट रिश्तों की झूठी लकीरों पर अपने मैगजीन्स के सेल्स बढ़ाता है। I hope I don't offend you. Good night. वापस ला दो भगवान, मेरे अभिषेक को बचा लो। हेलो, क्या मैं अभिषेक की दीदी से बात कर सकती हूँ? जी साहब, की दीदी साहब को लेकर लोनावाला सैनिटेरियम चली गई हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे। मुन्ना, दूध पी लो, पी लो। मुन्ना,
जाने की आज पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी अचानक एक अहम मुकाम पर रुक गई हो। लगता है जैसे मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरा नाम मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनना चाहता है। हाँ दीदी, प्रिया मेरी जिंदगी की एक लय बन चुकी है, एक रिदम जो हर वक्त मेरे सीने में धड़कती रहती है। सच तो यह है दीदी कि मैं प्रिया के बगैर जी नहीं सकूंगा, जी नहीं सकूंगा। मेम साहब, मेम साहब, मुझसे गलती हुई है मेम साहब। कुछ दिन पहले अभिषेक साहब ने मुझे एक कैसेट दिया था, मैं रखकर भूल गया। आखिर तुम कब तक अपने आप को कोसती रहोगी? नहीं शरद, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे मालूम था कि अभिषेक मुझे कभी माफ नहीं करेगा। प्रिया, अभिषेक और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ शायद कुदरत को वही मंजूर था। यू नो दिस इज ऑल डेस्टिनी। प्रिया, यू नो, और फिर अभिषेक जैसा इंसान जिसने खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुम्हें बचाया, और तुमने अभिषेक की खातिर दुनिया के रस्म और रिवाज की परवाह भी न की, यू नो आई रियली रेस्पेक्ट यू फॉर दैट। प्रिया, हिम्मत से काम लो। दिल पे काबू रखो। और इस साल की सबसे मकबूल और कामयाब फिल्म रही मिस्टर आशिक। साथियों, फिल्म मिस्टर आशिक एक न भुलाई जाने वाली यादगार फिल्म बनकर रह गई, क्योंकि इसके तीन अहम किरदार गर्दिशे दौराने अपनी जद में ले लिए। आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद के कितने करीब थे। स्मिता पाटिल आज हमारे बीच नहीं। अभिषेक, जैसा कि आप जानते हैं, एक हादसे का शिकार होकर अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, और परवीन बॉबी वो तो जैसे लापता ही हो गई हैं। दोस्तों, अब वो लम्हात आ चुके हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जा रहा है स्मिता पाटिल को फिल्म मिस्टर आशिक के लिए, और फिल्म फेयर का
बेस्ट एक्टर का अवार्ड जा रहा है अभिषेक को, फिल्म वही मिस्टर आशिक। अब मैं राज बब्बर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे अभिषेक की फिल्म फेयर अवार्ड ट्रॉफी उनकी पत्नी और प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रिया जी को दें। और अब मैं प्रिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे स्वर्गीय स्मिता पाटिल की फिल्म फेयर अवार्ड ट्रॉफी उनके पति और मशहूर अभिनेता राज बब्बर साहब को दें। राज बब्बर साहब, दो अल्फाज हमारे दर्शकों से। आज की शाम स्मिता की याद दिलो दिमाग पर इस कदर छा रही है जैसे किसी सूखी नदी में यक बयक तूफान सा गया हो। मैं और स्मिता जिंदगी के सफर पे चले ही थे कि रास्ता दागा दे गया। मुझे किसी मोड़ पर ठहरा कर स्मिता ना जाने कहां गुम हो गई। मैं उसे सदाएं देता रहा मगर मेरी सदाएं वादियों से टकरा कर टूट गईं और मैं पारे की तरह बिखर सा गया। खैर, आज की शाम दर्द की नहीं बल्कि प्यार की है। प्यार जाहिर करने की है, वो प्यार जो आप लोगों ने स्मिता को दिया। और अब आइए साहबान, फिल्म मिस्टर आशिक के कुछ वो बेमिसाल सीन देखते चलें जिसमें स्मिता पाटिल ने अपनी अदाकारी के कमाल कमाल पेश किए हैं, और वो गाना भी जिसमें अभिषेक ने लाजवाब अभिनय किया है।
अभिषेक! दीदी, प्रिया, तुम इतनी रात गई यहाँ? ये अंधेरा क्यों है दीदी? उजाले ने ही हमारा साथ छोड़ दिया। देखो दीदी, मैं क्या लेके आई हूँ अभिषेक के लिए। आपको याद है ना, वो कहता था कि मिस्टर आशिक में उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रोल है। देखो दीदी, इस फिल्म के लिए उसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। उसकी जिंदगी की हसरत पूरी हो गई। हसरत तो उसकी आदाश के साथ खो गई है प्रिया। अब ये अवार्ड उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो इसे पहचाने कभी नहीं। नहीं दीदी, इतनी कमजोर और बूझी हुई बातें क्यों करती हो? अब उसे सिर्फ दुआओं की जरूरत है। दीदी, ये पैसा, ये इज्जत, ये शोहरत, मेरे लिए इन सब की कोई अहमियत नहीं रही। दीदी, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक हकीकत रह गई है और वो है अभिषेक। दीदी, मैं उसी के साथ जीऊंगी और उसी के साथ मरूंगी। दीदी, मुझे अपना लो। दीदी, मुझे अभिषेक के साथ अपना लो। देखो अभिषेक, देखो इसे याद करो, ये नाव को देखो। छोड़ के नहीं जा सकते अभिषेक, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें जीना पड़ेगा।
किया था अभिषेक? बोलो बोलो अभिषेक, बोलो बोलो अभिषेक। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। अभिषेक क्यों? ये सब तुम्हें याद होना चाहिए अभिषेक। इसे कैसे भूल सकते?